नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन नायक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा 11 CNG के बारे में। अब अगर टाटा मोटर्स मुझे ट्रक देती तो थोड़ा सा साफ ट्रक के साथ में वीडियो बनाता, बट अब ठीक है, जैसा भी है, आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गए। अब 11 CNG जो है लगभग 6.5 टन के आसपास पेलोड लेके जाता है, 11 टन के आसपास किसकी ओवरऑल पासिंग आती है, 85 हॉर्स पावर की ये पूरी गाड़ी जो है वो ताकत बनाती है मैक्सिमम, और 285 Nm का टॉर्क आता है। गाड़ी के बारे में सारी बातें करेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसका कीमत क्या आता है, माइलेज क्या है, कितना क्या कैसा चलेगी, CNG वगैरह का सीन कैसा है, कितने किलो CNG वगैरह आ जाएगी, आपको कहाँ लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है, कहाँ सक्सेस है, कहाँ सक्सेस नहीं है, कीमत कितनी आएगी, डाउन पेमेंट वगैरह कितना करना है, EMI किस्त वगैरह कितनी देनी है, आखिर तक वीडियो देखो और लास्ट में अगर लगे तो वीडियो अच्छा लगे, सारी जानकारी मैं दे पाऊँ तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे वीडियो के आखिर में, तब तक के लिए आप देखिए टाटा 11 CNG यानी कि CNG ट्रक का ये वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कमाल के ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ truckbazi.com के बारे में। truckbazi.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सेकंड हैंड ट्रक्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और किराए पर दे सकते हैं। साथ ही साथ आप कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल इक्विपमेंट्स को भी किराए पर दे सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। दोस्तों ट्रकबाजी आपकी ये सब करने में मदद करता है, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पे ऐड पोस्ट करना फ्री है और दोस्तों रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री है, मतलब ये एजेंट और डीलर के बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद ऐप है। दोस्तों truckbazi.com का 15 सालों का तजुर्बा और बेहतरीन एक्सपर्ट्स की टीम आपको इन सब में मदद करती है। ये इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है और कहीं ना कहीं बहुत विश्वास पात्र भी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको मिलते हैं हजारों खरीदार और हजारों बेचने वाले, यानी कि ये काम को बहुत ज्यादा आसान कर देता है और आप आसानी से किसी भी वाहन को किराए पे दे सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपकी गाड़ी का ऐड देखने वाले हजारों लोगों से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, उनसे सीधे कॉल पे बात कर सकते हैं और दोस्तों आप अपनी डील डन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कमीशन के। truckbazi.com इन सब के बीच में कोई भी कमीशन नहीं लेता है, तो हुई ना दोस्तों कमाल की बात। तो दोस्तों आप truckbazi ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इनका व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इनसे बात कर सकते हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हैं और इस बेहतरीन ऐप को कहीं ना कहीं डाउनलोड कर अपना बिजनेस जबरदस्त बढ़ा सकते हो। तो जाइए ट्राई कीजिए truckbazi.com अभी। टाटा की LPT सीरीज बहुत वक्त से हमारे साथ में है और बहुत वक्त से हमारे साथ रहने के कारण टाटा की LPT सीरीज जो है वो काफी ज्यादा हमारे लिए लोकप्रिय हो गई है, हमें देखने की आदत सी हो गई है और ये ट्रक भी बहुत ज्यादा अलग नहीं लगता है। जैसे टाटा की और LPT सीरीज के ट्रक आते हैं बिल्कुल वैसा ही ये दिखता है, हालांकि इसमें कुछ चेंजेस है जो मैं आपको बताता हूँ। सामने की तरफ जब आप बंपर की बात करते हैं तो दो बंपर्स हैं सामने की तरफ, एक नीचे की तरफ हैवी फुल प्रोटेक्शन बंपर है और ऊपर की तरफ एक शो टाइप का बम्पर दिया हुआ है, हालांकि ये भी फाइबर का नहीं मेटल का है तो ओवरऑल प्रोटेक्शन काफी बढ़िया रहता है। साइड में कॉर्नर पर इंडिकेटर्स लगाए गए हैं, बीच में लाइट्स हैं और ये लाइट्स से शिकायतें कभी नहीं आई है। क्लियर लैंप, हैलोजन हेडलैम्प्स होते हैं, कोहरे वगैरह भी अच्छा दिखाते हैं। कुछ लोग शौकिया तौर पे एक और हेडलैम्प का पेयर लगवा लेते हैं। ग्रिल सामने की तरफ पॉलीमर फाइबर की है, बीच में टाटा का लोगो है, टाटा का जो है काफी बढ़िया लगता है क्रोम में लोगो। ओवरऑल ग्रिल जो है वो बहुत फैंसी नहीं लगती है, क्लासिकल ग्रिल लगती है और हवा वगैरह अंदर जाती है। 11 9 की बैजिंग आती है, जी लिखा हुआ है। CNG ट्रक्स जो है उनमें जी कहीं ना कहीं टाटा ने बना रखा है अपना नोमेनक्लेचर, सफिक्स लगाते हैं वो जी का। बाकी आपको पैनल कैप्स वगैरह देखने को आज भी मिलते हैं कमर्शियल ट्रक में, ये चीज के लिए शिकायत नहीं कर सकते आप। सामने की तरफ आपको एक 3M रिफ्लेक्टिंग टेप कंपनी की तरफ से सेफ्टी बढ़ाने के लिए मिलता है। ओवरऑल वाइपर्स वगैरह भी काफी बेहतर हुए हैं, जिस हिसाब से एयर इनटेक के लिए चीजें बनाई गई हैं, हैंडल्स वगैरह लगाए गए हैं वो भी काफी बढ़िया है। मतलब चीजें थोड़ी थोड़ी है, छोटी छोटी सुधार किया हुआ है। वाइपर्स अब ड्राई नहीं है, पानी आता है वाइपर्स में, यहाँ से आप आसानी से साफ कर सकते हैं इन हैंडल्स को पकड़कर। वाइपर्स जो है अगर देखेंगे तो इनकी क्वालिटी में काफी इंप्रूव किया है पुराने वाले LPT सीरीज से। यहाँ आपको 24 घंटे असिस्टेंस के लिए एक टोल फ्री नंबर टाटा देता है, यहाँ पे आपको जो है CNG की ब्रांडिंग मिल जाती है। सामने की तरफ BS6 नॉर्म्स में आपको फ्रंट ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिलता है, सामने की तरफ आपको हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी से कितनी दूर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विंडशील्ड काफी बड़ी है, जिससे कि पहाड़ वगैरह में चलाने में कोई समस्या आपको नहीं होगी, काफी बढ़िया विजिबिलिटी आती है। ओवरऑल गाड़ी में कुछ ऐसा खास आगे है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। साइड प्रोफाइल में अगर आप CNG टैंक को छोड़ दें तो बाकी गाड़ी बिल्कुल वैसे ही लगती है, हालांकि मडगार्ड्स थोड़े से अजीब आपको लग सकते हैं, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे की तरफ बात करूंगा। बाकी आपको फ्रंट में जो टायर्स है वो थोड़े से छोटे मिलते हैं आपकी उम्मीद से, कि 8-25-16 के टायर है, थोड़े बड़े लगा सकते थे, पर इनका कारण भी जो है हम आगे की तरफ देखेंगे। BS6 का स्टिकर मिलता है, BS6 के लिए सारे के सारे मिरर मिलते हैं, साइड ब्लाइंड स्पॉट मिरर, रियर ब्लाइंड स्पॉट मिरर,
रियर व्यू मिरर, सारे के सारे शीशे जो है आपको दिए जाते हैं। तो अब देखने में, बैक करने में, गाड़ी चलाने में, पहाड़ों में भी चलाने में कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। एलपीडी सीरीज में केबिन को काफी ज्यादा कर्व किया गया है और ये कर्व होने के कारण केबिन जो है काफी सटल सा हो गया है। पहले एडजस्ट जो है वो थोड़ी सी और शार्प आती थी, अब वो चीज कहीं ना कहीं लीनियंट हो गई है। मतलब कहने का ये मतलब है कि और ज्यादा ड्यूरेबल हो गई है। केबिन को आप टिल्ट कर सकते हैं, एक हाथ से ही लॉक खोलने के बाद केबिन उठ जाता है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि केबिन को किस तरह से उठाना है। ये दोस्तों इस गाड़ी की बैटरी है 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर पे काम करती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सीएनजी का बड़ा सा टैंक दिख जाएगा। पानी की बात करें तो 150 लीटर कैपेसिटी वाला ये ईकेसी कंपनी की तरफ से फिलहाल टाटा जो है एक टैंक लगा रही है। इस तरीके के दो टैंक आपको गाड़ी में मिलते हैं। अगर आपको एडिशनल टैंक चाहिए तो दो टैंक और टाटा लगा के देती है, जो कि 65-65 लीटर वाटर कैपेसिटी के होते हैं, जो कि आप अभी अपने सामने पीछे की तरफ गाड़ी में देख रहे हैं कि डाला में नीचे जितनी भी जगह है उसमें लगाया जा रहा है। पीछे की तरफ भी दोस्तों 8, 25, 16 के टायर मिलते हैं, जो कि थोड़े से अगेन छोटे लग सकते हैं एक गाड़ी के लिए जो कि 11 टन के आसपास पासिंग में आती है। बाकी ये जो मडगार्ड है जबरदस्ती लगाए गए हैं। एक तो ये क्या है, चद्दर के हैं तो ये बैंड वगैरह हो जाते हैं, इनमें सफाई करने में दिक्कत आती है, पहिया वगैरह खोलने के टाइम भी आपको दिक्कत आती है। जबरदस्ती ये टाटा ने लगाए हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे अशोक लेलैंड ने ई कॉर्बेट में जबरदस्ती में बड़े बड़े फेंडर्स लगा दिए हैं, बिल्कुल वैसे ही ये जबरदस्ती है। बाकी आपको ड्रॉप साइड डेक अगर आप लेते हैं, हाफ डाला गाड़ी लेते हैं, तो आपको काफी सारे जो है चीजें मिल जाती है। कंपनी ने इस तरीके के टैंकों को भरने के लिए स्लो फिलिंग नोजल और फास्ट फिलिंग नोजल दोनों का ही ऑप्शन रखा है, और सिंगल नोजल है पूरी गाड़ी में गाड़ी को भरने के लिए, जो कि ड्राइवर साइड है। पीछे की तरफ भी अगर आप बात करें तो टाटा की ब्रांडिंग मिलती है, जैसे कि हमने और गाड़ियों में भी देखा है। कोई ऐसे खास अलग चीज आपको नहीं दिखेगी और गाड़ी जो है काफी ज्यादा नॉर्मल लगती है, और आपको गाड़ी को पीछे से कोई ऐसी शिकायतें नहीं कर पाएगी आपकी, ये चीज अनोखी है। हालांकि कुछ ऐसे अलग से भी नहीं लगाया है, तो एकदम सिंपल चीजें होती है। नीचे की तरफ अगर आप बम्पर की बात करें तो आपको ठीक ठाक हैवी मिलता है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, ब्रेक लाइट, बैक लाइट, इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर वगैरह मिलता है। एलईडी लाइट्स नहीं है यहाँ कोई भी, वो चीज आपको एक थोड़ी सी लगेगी कि एलईडी लाइट्स हो सकती थी। यहाँ पे दोस्तों आपको कहीं ना कहीं डाला के बीच में, बॉडी के बीच में एक गैप मिलता है, जो कि कई लोगों को पसंद आएगा, कई लोगों को पसंद नहीं भी आएगा। चैसी की अगर हम बात करें तो 200mm, 60mm, 5mm की चैसी मिलती है। मेरे हिसाब से बाकी सारे फिगर्स ठीक है, 5 की जगह अगर 6mm होती तो काफी ज्यादा मजा आता, बट कहीं ना कहीं चैसी को लाइट रखने के लिए जो है कोशिश की गई है, क्योंकि लाइट गुड्स में जो काम आएगी। बाकी क्रॉस मेंबर्स को काफी ज्यादा डाला गया है, जिससे कि गाड़ी में झोल वगैरह नहीं आता है, गाड़ी झोंक बहुत ही कम लेती है। स्टेपनी ठीक रियर एक्सल के पीछे बिल्कुल बीच में रखी गई है, चोरी वगैरह नहीं होगी और खोलने लगाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट आपको इतनी भी ज्यादा जरूरत इसकी नहीं पड़ने वाली है। बाकी आपको जो रियर एक्सल मिलता है वो टाटा का खुद का है, 1068 नंबर का, फुल्ली फ्लोटिंग बेंजो टाइप टाटा यूज करते हैं। इसका रियर एक्सल रेशियो भी बहुत बढ़िया है, यानी कि 4.857 का आता है, बहुत ही बढ़िया जो है रियर एक्सल है। फ्रंट एक्सल आपको रिवर्स इलियो टाइप स्टीयरेबल एक्सल मिलेगा, बहुत ही सादा एक्सल है, बहुत लंबे वक्त से है। और नीचे की तरफ सीएनजी होने के कारण गाड़ी क्लीन नहीं है, बहुत सारी पाइप्स आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी पाइप्स देखने को मिलेंगी। एक और नई चीज जो सीएनजी में है वो ये कि टाटा ने नीचे से इंजन को पूरा कवर कर दिया है, इंजन कवर लगाकर, जो कि एक अजीब सी बात मुझे लगी। दोस्तों अगर सस्पेंशन की बात करें, कमानियां लगी हुई हैं गाड़ी में, ड्यूअल स्टेज कमानियां लगी हुई हैं। पीछे के भी अगर आप एक्सल पे देखोगे तो काफी बढ़िया तरीके से मल्टी स्टेज लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन लगाई गई है, और मोटाई इनकी बढ़ा दी गई है पहले से, तो मोटे होने के कारण ये ज्यादा लोड अब ले सकती है। ड्यूअल स्टेज की है, मतलब हेल्पर कमानियां यहाँ आपको मिलती हैं। फ्रंट में अगर आप बात करेंगे तो फ्रंट में भी जो है काफी बढ़िया तरीके से आपको कमानियां मिलती हैं। यहाँ भी आपको पैराबोलिक तो नहीं मिलती है, पर मल्टी स्टेज लीफ स्प्रिंग यहाँ भी मिलती है, काफी लंबी लगाई गई है। मास्टर लीफ की जो लेंथ है वो काफी लंबी है, तो काफी ज्यादा सहूलियत हो जाती है। बाकी आपको यहाँ पे कोई एडब्लू सिस्टम के लिए SCR ना मिलकर कैटालिटिक कन्वर्टर मिलता है। साइलेंसर यहाँ भी महंगा पड़ जाए, पर एडब्लू जैसा खर्चा कुछ नहीं है उसके अंदर। लोडिंग एरिया की बात करें दोस्तों तो गाड़ी 22 फीट में भी आती है, यानी कि 17 फीट, 20 फीट और 22 फीट आप ले सकते हैं आपके हिसाब से। इसमें दोस्तों आपको पूरी डाले के साथ गाड़ी मिल जाएगी, चैसी के साथ गाड़ी मिल जाएगी और हाफ डाले के साथ गाड़ी आप देख रहे हैं। केबिन की बात करें तो बहुत पुराना एलपीटी सीरीज वाला डैशबोर्ड हमें मिलता है, कुछ डिजाइन वैसा ही है, बट फिर भी कुछ चेंजेस इसमें जरूर आए हैं। अब सीट वगैरह जो है आपको थोड़ी उतनी चौड़ी नहीं देखेगी, मैं 2-3 बार इस चीज के बारे में बात करूंगा केबिन में। बाकी ऊपर की तरफ आपको चीजें बढ़िया मिलती है। स्टीयरिंग व्हील नया है, पहले की तरह नहीं है, पकड़ने में अच्छा है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक ड्राइवर के हाथ में मिलता है, साइड में नहीं मिलता सीट पे, ये एक अच्छी चीज है, डैशबोर्ड पे मिल जाता है। इन
कॉलम्स में जो लगे हुए आपके कंट्रोल्स हैं वाइपर और लाइट के, ये भी बदले गए हैं, ये भी थोड़े से मॉडर्न किए गए हैं। बाकी टाटा का लोगो वगैरह बढ़िया लगता है। टाटा एक म्यूजिक सिस्टम भी लगा के देता है अपनी ही तरफ से, जो कि एक अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको दो हाई स्पीड यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे, तो 150-200 रुपए का चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको दो वाइजर मिलते हैं, सीट मिलती है, और सीट भी दोस्तों काफी ठीक है, सीट भी कोई शिकायत नहीं है। पीछे एलईडी लाइट्स है, और पीछे की तरफ देखने के लिए शीशा है। अगर आपने हाफ डाला गाड़ी बनवाई हुई है तो हवा लेने के लिए भी शीशा है। वेंटिलेशन नॉर्म्स के तहत है। ग्लव बॉक्स जैसा ही देखा है हमने शुरू से, एलपीटी ग्लव बॉक्स एलपीटी डैशबोर्ड्स में वो आता है। डैशबोर्ड की फाइबर क्वालिटी कमर्शियल के हिसाब से ठीक है, पर सीट जो है वो थोड़ी सी सकरी है, मतलब आप इस सीट पे सो नहीं सकते। और बाकी आपको यहाँ पे जो है सिर्फ एक हजार्ड लैंप यानी कि पूरे इंडिकेटर चालू करके जब गाड़ी पार्किंग करते हैं वो मिलता है। बाकी म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये है एक आपका एसी वेंट, नहीं एयर वेंट। एसी इस गाड़ी में नहीं आता है। यहाँ से आप खोल सकते हैं एलपीटी सीरीज के जैसा ही पूरा का पूरा, अभी तक जो देखते आए वैसा का वैसा डोर को पूरा फर्निश। यहाँ पे आपको जो है कुछ डमी स्विचेस मिलेंगे, और ये आपका स्टेयरिंग कंट्रोल करने के लिए नॉब। बाकी स्टेयरिंग व्हील ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है और पकड़ने में अच्छा है। 5 स्पीड का दोस्तों गियरबॉक्स मिलता है टाटा का, इसमें जो गियरबॉक्स नंबर 27 लगा हुआ है, और सिंक्रोमाइज के साथ में आता है तो काफी बढ़िया है। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल का बहुत डिटेल में वीडियो देखना है तो मेरा जो वीडियो आपको ऊपर सजेशन में आ रहा है वहां जाके देख लीजिए। वहां पे लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको देखा हुआ है, प्यार दिया हुआ है आप लोगों ने, मैंने सारी चीजें समझाई है। बाकी यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है, क्या अभी टाइम हो रहा है, ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हैं, एवरेज क्या गाड़ी दे रही है, कितना बैटरी का वोल्टेज है, और कितने किलोमीटर टोटल गाड़ी चली हुई है, ये सब चीजें दिखाता है। स्पीड आरपीएम भी दिखाएगा, और गाड़ी में गर्मी कितनी है, कूलेंट का टेम्परेचर, और आपको यहाँ पे सीएनजी कितनी आपकी गाड़ी के अंदर प्रेशर है वो दिखा देगा। बाकी सारी चीजें इसमें इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। बीच में दोस्तों हम्प ज्यादा बड़ा है, वॉक थ्रू फ्लोर नहीं है, पैडल प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, और सस्पेंशन सीट है जो कि एक एलपीटी सीरीज के लिए अपने आप में ही बढ़िया बात। हालांकि फायर एक्सटिंग्विशर का प्लेसमेंट बहुत ही अजीब सी जगह है, इमरजेंसी में यूज नहीं हो पाएगा, और फाइबर की सीट होने के कारण गर्म नहीं होती है, पर ड्राइवर वाली सीट फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ में फुल आती है, इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आता है। दोस्तों अगर 11.9G में इंजन की बात करें तो 3.8 लीटर यानी 3783 cc का 4 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड SGI सीक्वेंशियल गैस इग्निशन वाला इंजन टाटा मोटर्स ने लगा रखा है। बहुत लंबे वक्त से इंजन हमारे बीच में है। 83-85 horsepower की मैक्सिमम पावर आती है, और 285 Nm का टॉर्क आता है। 285 Nm का टॉर्क है ना, वो इस इंजन का स्वीट स्पॉट है, वो 1200 से लेकर 1600 RPM के बीच में आता है। यहाँ हम लोग मैक्सिमम टाइम सिटी में ट्रैफिक में जो ट्रक को चलाने वाले, तो बहुत ही बढ़िया जो है इसका स्पॉट वगैरह आता है, जो इसका टॉर्क है वो बहुत अच्छी स्वीट स्पॉट पे आता है। गियर वगैरह जल्दी जल्दी चेंज नहीं करने पड़ते हैं। G27 नंबर का गियर बॉक्स इसमें लगा हुआ है। 5 स्पीड फॉरवर्ड है, 1 स्पीड रिवर्स है। 6th गियर की ज़रूरत भी महसूस कभी नहीं होती है मेरे हिसाब से, जब तक आप हाईवे पे बहुत ही चौड़ी सड़क पे नहीं जा रहे हो, क्योंकि इस ट्रक का जो मैक्सिमम आप जिसको चलाते हैं तो 60-65 के आसपास चलाते हैं, उसके बाद फिर माइलेज नहीं मिलेगा, कोई सेंस नहीं बनता है उसके आगे चलाने का। और दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर आपको इसमें माइलेज निकालना है तो आप 40-45 के बैंड में अगर चला सकते हैं बिना ब्रेक मारे चलाइए, कमाल का माइलेज मिलेगा। मैं माइलेज के बारे में आगे बता रहा हूँ, बट क्लच के बारे में बता दूँ, 280 mm डायामीटर का क्लच इसमें लगा हुआ है, और क्लच और इंजन और गियर बॉक्स से जुड़ी हुई कोई शिकायतें लोगों को नहीं आती है। कुछ लोगों ने पहले ऑयल लीकेज वगैरह की समस्या रिपोर्ट की थी, टाटा मोटर्स ने अब उसको सॉल्व कर दिया है, तो वो कोई चीज़ें है नहीं, और अच्छा है ये इंजन ओवरऑल। आप देखेंगे तो टाटा 407 से लेके टाटा 407 के आसपास से जितनी भी सीरीज़ की जो भी हमारी इनकी CNG गाड़ियाँ आ रही है, लगभग यही इंजन यूज़ हो रहा है, इसी इंजन के कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो बहुत ही कॉमन कर दी चीज़ों को। वो एक चीज़ इस इंजन के बारे में, इंजन बढ़िया, इंजन से जुड़ी हुई कोई शिकायत आपको नहीं आएगी टाटा 11.9 में, तो आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। या देखो इंजन जो है वो सीधी सीधी बात है माइलेज लोड के हिसाब से देता है। अगर आप इसको रेटेड लोड पर चलाते हो, लगभग आप इसको 6.5-7 टन के आसपास माल डाल के चलाते हो, तो ये आपको 6.5-7 का ही माइलेज जो है देता है 1 किलो CNG के अंदर। बिल्कुल आपको 6 से कम माइलेज CNG में अगर मिल रहा है तो आप टाटा मोटर्स के वर्कशॉप चले जाना, भैया ये क्या कर रहे हो आप लोग, कहते तो 8-10 का हो, बट 6 के आसपास जो है माइलेज आपको इसमें मिलता है। हमने भी जो है 6 के आसपास माइलेज इस ट्रक से लिया है। दोस्तों अगर इसके अलावा बात करें डाउन पेमेंट और कीमत की, तो ट्रक की जो कीमत निकल के आती है वो निकल के आती है 17 लाख से लेके 18.5 लाख रुपये तक। अब 3-4 मॉडल आते हैं, हाई साइड डैक आता है, ड्रॉप साइड डैक आता है, और फ्लैट बेड केबिन चेसिस वगैरह ले सकते हो, तो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत कीमतें आगे नीचे ऊपर नीचे हो जाती है। 17 फिट आता है, 20 फिट आता है, और 22 फिट भी आता है। 22 फिट अभी अभी आने लगा है, पहले नहीं आता था 22 फिट इन मॉडल्स में, तो वो 22 फिट बहुत ही बढ़िया जो है स्पॉट है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, तो 22 फिट भी आता है। तो आपको 17 लाख से लेकर 18.5 लाख के बीच में गाड़ी जो है मिलती है। दोस्तों अगर डाउन पेमेंट की बात करें तो लगभग आपको 3 लाख रुपये में मानता हूँ आप डाउन पेमेंट करते हैं,
15 लाख रुपए के आसपास अगर आप लोन बनवाते हो, 16 लाख रुपए के आसपास अगर आप लोन बनवाते हो, तो आपको 30,000 रुपये महीने के आसपास की किस्त आने वाली है, 30-32 हज़ार रुपये महीने के आसपास की किस्त आएगी 5 साल के लोन के लिए। तो ये आपके डाउन पेमेंट और किस्त की बात हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो इंजन ऑयल जो है वो आपका हर 20,000 किलोमीटर पर टाटा मोटर्स रिकमेंड करता है कि बदलवा लो। इसके अलावा दोस्तों जैसे हमारा हब ग्रीस हो गया, गियरबॉक्स ऑयल हो गया, ट्रांसमिशन ऑयल हो गया, गियरबॉक्स ट्रांसमिशन एक ही बात है, और ऐसे बहुत सारे जो ऑयल्स हमारे होते हैं जो रेगुलर वाले होते हैं उनको आपको 1,20,000 किलोमीटर पर यानी हर 6ठी सर्विस पर चेंज कराना है। तो बाकी सारा मेंटेनेंस हमारे डीजल इंजन की तरह है, सिर्फ इंजन ऑयल जो है वो सीएनजी में हमें थोड़ा सा जल्दी चेंज कराना पड़ता है, तो वो एक चीज़ इसके बारे में है। दोस्तों अगर कंपटीशन की बात करें तो ज़्यादा कोई कंपटीशन में है नहीं, क्योंकि सीएनजी ट्रक्स काफ़ी कम कंपनियों के पास है। फिर भी आइसर के कुछ ट्रक्स आते हैं, 2095 XP जो है उनका आता है एक्स्ट्रा पेलोड वाला सीएनजी, वो एक इसका बेटर कॉम्पिटिटर मुझे लगता है। बाकी तो दोस्तों आपको टनेज के हिसाब से जो है गाड़ी मिल जाती है। पहले ये गाड़ी जो है वो 10,900 के ग्रॉस व्हीकल वेट में आती थी, अब जो गाड़ी है वो 11,250 से ज़्यादा के GVW या ग्रॉस व्हीकल वेट में आने लगी है। और दोस्तों पेलोड की बात करें तो लगभग 6.5 टन से थोड़ा ज़्यादा ही जो है इसमें आप पेलोड डाल के चल सकते हो। गाड़ी के मॉडल पर डिपेंड करता है, गाड़ी आधी बनी है, पूरी बनी है, चैसी वगैरह पे कैसे आपने बनवाई है, हैवी बनवाई है, लाइट बनवाई है, बाकी 6.5 से 7 टन आप इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। थोड़ा सा सीएनजी ट्रक्स में लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि सीएनजी इसमें बनेगी कितनी। देखो 4 टैंक अगर आप 20 और 22 फीट वाली गाड़ी ले रहे हो तो आप 70 किलो के आसपास गाड़ी को फुल करा सकते हो सीएनजी में, और अगर आप थोड़ी छोटी गाड़ी ले रहे हो, 17 फिट वाली गाड़ी ले रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा व्हील बेस छोटा रहता है, तो उसमें आप लगभग 50 किलो के आसपास सीएनजी भरा सकते हो। अगर हम मान लें 6 के माइलेज के हिसाब से और अगर 70 किलो सीएनजी पूरी है तो लगभग 400-425 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाती है। इंट्रा सिटी के लिए बढ़िया है, अब बहुत लंबा चलाना है तो फिर उसके हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत रहती है। दोस्तों ब्रेक्स में कोई दिक्कत है नहीं, आपको एयर ब्रेक्स मिलते हैं, एस कैम ब्रेक्स हैं, ABS वाले ब्रेक्स मिलते हैं, ड्यूल लाइन है, वो कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं। स्लैक ऑटो एडजस्टिंग स्लैक होता है वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है, तो ब्रेक्स वगैरह बढ़िया है। हाँ हालांकि इंजन ब्रेक्स वगैरह इसमें नहीं मिलते डीजल गाड़ी की तरह, तो इंजन कंट्रोल वगैरह आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, वो एक चीज़ थोड़ी सी मिस होती है सीएनजी वाली गाड़ियों में, अब वो होती है, कुछ नहीं कर सकते उसका। बाकी दोस्तों आगे की तरफ सेमी इलेप्टिकल कमानियाँ मैंने बताई, पीछे की तरफ भी ज़बरदस्त कमानियाँ दे रखी हैं, एक्सल वगैरह आगे पीछे के दोनों बढ़िया है, कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं दोनों एक्सल्स में। उस टायर इस गाड़ी में बहुत अच्छे लगा रखे हैं, 8/16 के टायर लगा रखे हैं। मैं 8/16 के टायरों को बहुत फेवर करता हूँ, उनका रेसिस्टेंस कम रहता है, रोलिंग रेसिस्टेंस कम रहता है, ज़्यादा घिसते नहीं है, चेंज कराने की कॉस्ट भी जो है कम है। छोटी गाड़ियाँ जो 11 टन से कम वाली 10 टन वाली गाड़ी है ना, उनमें 9-20 के टायर लगा दूंगा, 1,020 के टायर लगा दूंगा, गाड़ी चलेगी नहीं। आधा जो पेट्रोल डीजल सीएनजी है वो टायर को घिसाने में ही चले जाएगा, टायर को घुमाने में चले जाएगा, तो वो एक चीज़ है। तो 8/16 के जो टायर है इस गाड़ी के हिसाब से मुझे अच्छे लगते हैं, बढ़िया है टायर्स। दोस्तों अगर वारंटी की बात करें तो टाटा मोटर्स पूरी गाड़ी पे 3 साल और 3 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है। सीएनजी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया वारंटी मुझे लगी। वारंटी से जुड़ी हुई कोई शिकायतें मेरी ऐसी खास है नहीं, फिर भी जो है आप एक बार टाटा मोटर्स जब जाएंगे तो देख लीजिएगा, कुछ कुछ चीज़ों की 6 महीने की, कुछ कुछ चीज़ों की साल भर की, कुछ कुछ चीज़ों की 2 साल की, और कुछ कुछ चीज़ों की 3 साल की वारंटी है। तो देख लेना आपकी ड्राइव लाइन को छोड़ के किस चीज़ की कितनी वारंटी जो है आपको मिल रही है, हो सकता है कॉम्पिटिशन में आपको थोड़ी बहुत बेहतर वारंटी मिल रही हो, तो वो एक फैक्टर आप देख लेना क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं इस ट्रक के बारे में, मुझे कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं या जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस ट्रक के बारे में अच्छी लगती है वो इसका सीट कम्फर्ट और केबिन का कम्फर्ट, जो स्टेयरिंग है तो स्टेयरिंग को मैं अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकता हूँ। सीट जो है मैलवा फैब्रिक है, लेदर वगैरह की नहीं है, पसीना वगैरह नहीं आता, सस्पेंडेड सीट है मैकेनिकली, तो वो एक बैठ के जो बैठने का जो मज़ा है ना, जिसको चलाने का जो मज़ा है ना, गियर थ्रोज एकदम छोटे छोटे हैं, बहुत लंबा गियर नहीं लगता है, पार्किंग ब्रेक वगैरह स्टेयरिंग के नीचे मिल जाता है, एर्गोनॉमिक जिसको हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं है, वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इस ट्रक के बारे में। लाइट वेट सॉफ्ट टच स्टेयरिंग व्हील वगैरह है, पावर स्टेयरिंग वगैरह है, तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इस ट्रक के बारे में। इसी वजह से कि ड्राइवर को ऐड करने के लिए म्यूजिक सिस्टम दे दिया आपने, USB डायरेक्ट दे दिया कि वो हमें 250-300 रुपये का वो चार्जर नहीं खरीदना है जो बार बार चोरी हो जाता है, केबल बस में लगाता हूँ तो केबल से जो है मेरा फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाता है, तो वो एक चीज़ मुझे छोटी छोटी चीज़ें ड्राइवर के हिसाब से रखी है ना अच्छी लगती है। हालांकि वॉक थ्रू केबिन नहीं है, हम्प वगैरह केबिन में है। मैंने आपको बताया था मुझे टायर अच्छे लगते हैं इस गाड़ी के, टायर का साइज़ बहुत बढ़िया है, गाड़ी का माइलेज अच्छा लगता है, लो मेंटेनेंस गाड़ी होती है सीएनजी होने के कारण वो मुझे चीज़ अच्छी लगती है, मेंटेनेंस कम है गाड़ी का, वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। टायरों के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें कंपोनेंट्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है डीजल गाड़ी के हिसाब से, तो वो एक चीज़ जो है थोड़ी सी अच्छी लगती है, जैसे कि एड ब्लू नहीं भराना है, यूरिया नहीं डालना है आपको बार बार SCR DOC के लिए, तो वो एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि भाई वो मेंटेनेंस बची तो रहा है, मैं डीजल गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे यूरिया भरना ही पड़ेगा 1,000 किलोमीटर पर 1,500 किलोमीटर पर, अब यहाँ भरना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो अपना काम कर देता है, तो मुझे वो एक चीज़ अच्छी लगती है। रनिंग कॉस्ट कम आती है, 22 फुट डाले में आती है, 22 फुट डाला बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मदद करता है,
तो एक 22 फुट डाले में गाड़ी का आना मेरे लिए बहुत मुझे मज़ा आता है। शानदार काम किया है टाटा मोटर्स ने, इसके लिए टाटा मोटर्स को डबल थम्स अप। अच्छा किया है आपने 22 फुट निकाल के 22 फुट का ऑप्शन देके। और 15 साल का परमिट भी दोस्तों गाड़ी के साथ में आता है, तो वो चीज़ नहीं है ग्रीन टैक्स वगैरह जो है आपको बार बार नहीं देना है। तो गाड़ी ओवरऑल डीजल गाड़ी के कंपैरिजन में रनिंग कॉस्ट, ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट, ओवरऑल आपकी चलाने वाली कॉस्ट और हर चीज़ में जो है कॉस्ट जो है आपकी कम आने वाली है। दोस्तों टाटा का फ्लीट एज इसमें भी आता है, यानी कि आप गाड़ी को जो है GPS की ट्रैकिंग वगैरह, बेसिक ट्रैकिंग, डीजल CNG वगैरह चोरी वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें जो है वो आपको पता चल जाएंगी कितनी CNG है, कब भराई, क्या भराई, ड्राइवर टाइम, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों CNG में एक बेहतर फ़ायदा और कमाल का फ़ायदा ये है कि CNG चोरी नहीं हो सकती। अगर आपका ड्राइवर फिलिंग स्टेशन पे बदमाशी ना कर पाए, यानी कि कम CNG डला के ज़्यादा का बिल ना बनवा पाए, तो आपका ड्राइवर बीच रास्ते में डीजल की तरह चोरी नहीं कर सकता कि नली डाली, मुँह से खींचा और जो है चोरी हो गई। तो वो एक चीज़ बहुत बढ़िया है CNG के बारे में। तो ये एक चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि CNG गाड़ी में अगर आपकी गाड़ी बहुत डीजल वीजल चोरी होती है तो CNG लेके आप बच सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे कुछ गाड़ी के बारे में अच्छी लगती हैं ओवरऑल गाड़ी को अगर देखें जाए तो, जिस हिसाब से कॉस्ट वगैरह डीजल की भी आ रही है उस हिसाब से। अब बात आती है कि इस गाड़ी के बारे में कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं उनके बारे में। देखो यार, सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो है इसमें स्लीपर केबिन के ऑप्शन का ना आना। हो सकता है डे केबिन दो, बट डे केबिन के साथ एक आध ऑप्शन रखो स्लीपर केबिन के साथ में, क्योंकि आपके पास 22 फुट लंबी गाड़ी है तो वो 2 फीट जो है केबिन में बढ़ाओ 20 फुट वाली गाड़ी के साथ स्लीपर ऑप्शन दो, तो एक आध गाड़ी ऐसी दो भैया जिसमें स्लीपर का ऑप्शन आए। और डिज़ाइन नहीं पसंद आता मुझे, मतलब अशोक लेलैंड ई कॉमेंट ने भी डिज़ाइन बदला, गोल लाइट लगा दी, मैंने उसका वीडियो ही नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे अपडेट करने लायक कुछ ही नहीं, वही सारी चीज़ें लगी हुई हैं, उसमें तुमने डिज़ाइन चेंज कर दिया, क्या कर रहे हो। इसी तरह टाटा LPT ने भी मतलब अब लगता है कि चेंज होना चाहिए, बहुत लंबे समय से हमारे बीच में, कुछ तो चेंज करो यार, कुछ इतना लंबा टाइम हो गया। मान लिया कोई दिक्कत नहीं है, टाटा मोटर्स के लिए जो चीज़ काम कर रही है उसको वो लोग चलाना चाहते हैं, लंबा दौड़ाना चाहते हैं, बट फिर भी LPT सीरीज है, ऑल दो अच्छी है वो, ऐसी खास दिक्कत नहीं है, बट फिर भी चेंज करो तो अच्छा रहेगा। मुझे ओल्ड स्कूल डिज़ाइन अब पसंद नहीं आता, डैशबोर्ड भी बहुत पहले से हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, थोड़ी बहुत मॉडर्न चीज़ें इसमें होनी चाहिए। अगर कैसे भी हो सकता है तो एक बाई फ्यूल ऑप्शन का ना होना इस गाड़ी की कमी है। बाई फ्यूल ऑप्शन जैसे कि यार एक पेट्रोल पे कुछ, एक इमरजेंसी में 5 लीटर 7 लीटर का पेट्रोल होना चाहिए, या कुछ जो है डीजल पे तो डेफिनेटली कुछ भी एक ऑल्टरनेट फ्यूल इसमें होना चाहिए, जिससे कि यार CNG को ऐसा नहीं बोतल में लेके जो है मैंने CNG ले ली, अब बोतल में तो CNG नहीं ले सकते ना, उसको तो CNG पंप तक लेके जाना पड़ेगा। और CNG पंप का ना होना मुझे इस गाड़ी के बारे में पसंद नहीं आती चीज़ है। CNG है तो CNG पंप हमें इतने फ्रीक्वेंट मिलते नहीं है, तो हमें एक A to B एक स्पेसिफिक रूट पे गाड़ी चलानी पड़ेगी जिस पे हमें पता है कि यहाँ CNG पंप मिलेगा, मुझे इतने किलोमीटर चला के जो है CNG भरा लेनी है, तो वो एक चीज़ है। CNG भराने में भी टाइम लगता है, तो उसके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि मुझे वो गाड़ी के प्रोस में डालना चाहिए था कि भाई फास्ट और स्लो नोजल मिल जाते हैं, वो एक बहुत बढ़िया जो है चीज़ मुझे लगती है गाड़ी के बारे में। दोस्तों मुझे CNG का जो मीटर्स का है ना, जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाएगा, उसका कैलिब्रेशन समझ में नहीं आता, वो एक्यूरेट नहीं दिखा पाता आपको कि कितनी CNG गाड़ी में है कितनी नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि उसके कैलिब्रेशन को और बेहतर होना चाहिए। एक दो गाड़ियों में दी, मैंने 3-4 गाड़ियों में देखा, मुझे वो समझ में नहीं आया, मतलब CNG के जैसे ऐप से वो इंडिकेशन देता है वो। एक हमें इसको तय रूट पे चलाना पड़ता है, हमें इसको अनजान रूट पर नहीं भेज सकते, हमें CNG के पंप ना मिले या कोई भी चीज़, तो हमें एक रूट तय करना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी है तो वो यहीं यहीं चलेगी, मुझे इस रूट पर चलाना। तो एक चीज़ थोड़ी इस गाड़ी के बारे में कमियाँ हैं कि मतलब CNG हमारे यहाँ उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं पा रहा है जितना अच्छा होना चाहिए। ठंडों में थोड़ी सी स्टार्टिंग प्रॉब्लम कई बार आपको फेस करनी पड़ेगी, दिल्ली वगैरह में जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है, हिमाचल वगैरह में सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, आपको देखना पड़ेगा यार कि डायरेक्ट CNG, क्योंकि डीजल में हीटर लगाया चालू हो गई, CNG में थोड़ा सा स्टार्टिंग प्रॉब्लम रहता है। डीजल पिकअप वगैरह मौसम वगैरह भी उतना बेहतर नहीं बनाता CNG टैंक। और एक और CNG गाड़ी में दिक्कत ये रहती है कि CNG के जो टैंक रहते हैं ना, जैसे मान लो मैंने 4 टैंक लगा रखे, अब 4 टैंकों का खुद का भी वजन है, CNG का वजन आप कभी सिलेंडर का कंधे पे लेके देखो ले पाओ तो वो बहुत भारी होता है CNG का सिलेंडर, तो वो गाड़ी में जबरदस्ती। डीजल टैंक क्या है, पॉलीमर का आ रहा है आजकल, पॉलीमर का डीजल टैंक लगा लिया भाई, लगा लिया कोई खत्म बात भाई, छोटी सी जगह में आ गया वो, जब पूरी गाड़ी की जगह भी घेर ली, वजन भी इसका होता है, तो गाड़ी एक तरीके से डेड वेट लेके चलती है, तो उससे क्या होता है पे लोड पर जो है गाड़ी का असर पड़ता है, तो पे लोड उतना कम हो जाता है गाड़ी का। हालांकि अब वो लॉन्ग रन में जो है माइलेज वगैरह पर भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वजन आप डेड वेट लेके चल रहे हो, बट CNG गाड़ी में इसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं, मतलब अगर CNG गाड़ी है तो सिलेंडर CNG के तो डालने ही पड़ेंगे आपको। अब CNG वाली गाड़ी के मैकेनिक भी उतनी आसानी से नहीं मिलते हैं जितने डीजल गाड़ी के आसानी से मिल जाते हैं, तो वो एक चीज़ है कि आपको शोरूम वगैरह जाना पड़ेगा हर बार, पार्ट्स वगैरह भी CNG वाली गाड़ी के डीजल वाली गाड़ी जितने आसानी से नहीं मिलते हैं। और दोस्तों रीसेल वैल्यू भी CNG वाली गाड़ियों की डीजल गाड़ियों जितनी अच्छी नहीं होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो गाड़ी के बारे में हैं, अच्छी और बुरी दोनों ही बातें मैंने बता दी। अब आपको CNG वाली गाड़ी कब खरीदनी चाहिए, देखो अगर आप बड़े शहर में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम ऐसे किसी शहर में रहते हो जहाँ पे आपके पास पता है कि CNG की खूब सारी जो है फिलिंग पंप्स हैं, आपकी गाड़ी लगभग रोज़ 200, 250, 300 किलोमीटर का रन करती है,
ए टू बी जाती है, बी टू ए आती है, ई कॉमर्स वगैरह करती है, या फिर आप सीएनजी के ही सिलेंडर्स डिलीवर करते हो, एलपीजी सिलेंडर्स डिलीवर करते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ डिलीवर करते हो जिसमें आपकी गाड़ी का रूट फिक्स है कि यार मेरी गाड़ी गोडाउन से एलपीजी सिलेंडर उठाएगी और यहाँ से जो है मेरी गाड़ी यहाँ तक आएगी, यहाँ से मैं रिटेल कर दूंगा, ई कॉमर्स में यहाँ से इस गोडाउन से मेरी गाड़ी, इस वेयर हाउस से मेरी गाड़ी सामान उठाएगी यहाँ तक, तो आप उस केस में तो सक्सेसफुल रहोगे। बट अगर आपने मार्केट लोड के लिए ले लिया कि भाई मेरी गाड़ी कहीं भी जा रही है, किसी भी जगह जाना है, जहाँ का लोड मिलेगा वहाँ का, तो आप फंस जाओगे। तो वो एक चीज़ देखना है आपको। दूसरी बात आप ये देखो कि डीजल गाड़ी से इसका कोई तुलना है नहीं। डीजल गाड़ी जो है वो थोड़ी सी अलग तरीके से बिहेव करती है। जो डीजल गाड़ी चलाते हैं उनको सीएनजी गाड़ी चलाने में भी थोड़ी सी अटपटी लगती है, उतना मौसम नहीं बनाती है, उस हिसाब से क्लच वगैरह ब्रेक वगैरह नहीं आते हैं गाड़ी के जिस हिसाब से डीजल गाड़ी के आते हैं। तो वो एक चीज़ है थोड़ी सी देखने में। तो आपको गाड़ी तभी लेनी है जब आपका स्पेशल रूट है, आपको पता है कि भाई कहाँ से कहाँ मेरी गाड़ी जाएगी, रीसेल वैल्यू वगैरह से आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। और ये आपकी सिर्फ इकलौती गाड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई ना कोई डीजल गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए। बैकअप गाड़ी आपके पास अगर ऑलरेडी है, आप ऑलरेडी ट्रक बाजी में हो, तो आप ले लो। अगर आप पहली गाड़ी खरीद रहे हो तो पहली गाड़ी सीएनजी मत खरीदो, या फिर आपको इंडिविजुअल बिजनेस हो तो आप गाड़ी ले सकते हो जिसमें कि आपकी जो गाड़ी जो है वो यहाँ पे, क्योंकि और भी बेहतर बेहतर ऑप्शंस हैं। बाकी सीएनजी वाली गाड़ी डीजल वाली गाड़ी से बहुत सस्ती पड़ती है चलाने में, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपको सीएनजी वाली गाड़ी चलाने में। तो ये था दोस्तों मेरी सब बातें टाटा 11 नौ के बारे में। अब आपको आइडिया लग गया होगा गाड़ी खरीदनी है नहीं खरीदनी है, कब खरीदनी है कब नहीं खरीदनी है, ये सारी चीज़ें जो। और एक और चीज़ दोस्तों, सीएनजी वाली गाड़ी का इंश्योरेंस भी थोड़ा सा सस्ता होता है डीजल वाली गाड़ी से, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये सब बातें थी दोस्तों आज के इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए मेरी माफ़ी, पर पूरी डाते फुल वीडियो फुल रिव्यू आपको 7 मिनट में 10 मिनट में रिव्यू कर रहा है वीडियो गाड़ी का, तो मैं क्या करूँ, मतलब सारी बातें तो बतानी पड़ेंगी तभी तो रिव्यू माना जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो टाटा 11 नौ सीएनजी के बारे में। अब आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको गाड़ी कैसी लगी, और कोई गाड़ी जो आप सीएनजी वगैरह में चाहते हो तो मैं उसका वीडियो भी आपके लिए लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, और ट्रैफिक पुलिसमैन से बेवजह मत झगड़िए। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।